रेसर का टेलीस्कोप है, मक्सटाउ टेलीस्कोप, जो एंगल में चाहिए आप घुमा सकते हो। पे देख सकते हो कि ये टेलीस्कोप हमारा माउंट हो चुका है। यहाँ पे हमने माउंट कर लिया है, फिलहाल फाइनल माउंटिंग नहीं हुआ है। सब करने से पहले हम लोग जो नॉब में यहाँ पे घुमा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कोप घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ नंबरिंग है, तो हमको जो ऑल वेलकम टू न्यू वीडियो, और मेरे साथ है आज सूरज चंद्रा सर। तो सर के साथ मैं गया था उनके लिए एक टेलीस्कोप लेने, और हमने टेलीस्कोप लिया है तेजराज कंपनी से। जनरली मैं वहीं से लेता हूँ क्योंकि वैरायटी बहुत अवेलेबल है। उनका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारा वैरायटीज अवेलेबल होता है। तो टेलीस्कोप लिया है ब्रेसर का, वो मकसद तो कैसीग्रेन है। इट इज़ अराउंड 100 mm का उसका डायमीटर है उसका मिरर, और उसका फोकल लेंथ 1400 है, तो बेस्ट फॉर द प्लानिटरी। तो अभी मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अभी इसको ओपन करेंगे और हम लोग पूरा असेंबल करने वाले हैं। ये बुक है, अगर आप प्रोफेशनल स्टार गेजिंग आपको जानना है तो ये आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। इसमें सब स्टार मैप है, सब डिटेल में है। तो ये कुछ बुकलेट्स, और ये हमारा ब्रेसर का टेलीस्कोप है, मक्सटाउ टेलीस्कोप, जो मेरे टेलीस्कोप से भी पावरफुल ये टेलीस्कोप है। तो हम लोग इसको फटाफट ओपन करते हैं, ये बाकी का इंस्ट्रक्शन वगैरह वो बाद में आप देख लो। ये है ए, इसमें है ट्राईपॉड। पहले तो हम लोग ट्राईपॉड देख लेते हैं, फिर आप ट्राईपॉड निकालो ये आराम से। हाँ, स्टेनलेस स्टील का ट्राईपॉड है इसके साथ। ये ट्राइपॉड का फिलहाल मैं आप लगा दीजिए। और ये इजी टू यूज है, मतलब एकदम फटाक से ये हो गया। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्सटेंशन नॉब्स है तो इसका हाइट और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आपको इक्यू माउंट करना है, तो हाँ यहाँ पे लग जाएगा आपको, नहीं उल्टा उल्टा लग। अब चाहिए तो आपको हाइट चाहिए तो बाद में आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके साथ माउंट कौन सा है वो देखते हैं। सो दिस इज सी, ए बी को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये सी है। तो ये माउंट आया, तो इसके साथ आपको मिलता है इक्यू थ्री माउंट। सर पसीना पसीना हो गया। तो इसके साथ ये इक्यू माउंट हमको मिला है, इसको हमको इसके ऊपर माउंट करना है। तो पहले तो आपको इसको लूज़ करना पड़ेगा, ये जो है ना, हमेशा पहले इसको लूज़ करिए जब माउंट लगाना रहेगा। तो ये बाहर आ गया, इसके बाद माउंट करना, ये नीचे से आपको घुमाना है। यहाँ पे स्क्रू रहेगा तो इसको बिठा दो आप, नीचे स्क्रू है इसको घुमा दो। अभी आपको लगा टाइट है, टाइट हो रहा है? हाँ, ये हो गया, ये थोड़ा स्टडी हो गया। इसको थोड़ा हम लोग टाइट कर देते हैं। इसके बाद ये जो साइड में स्क्रू है इसको टाइट करना है। और यह है क्यू थ्री माउंट, हम यहाँ पे एक स्क्रू है और इसका अदर, ये लॉकिंग मैकेनिज्म है ना इसमें। ये ऐसे शिफ्ट होना चाहिए, हाँ ये ऐसे आ गया, शिफ्ट हो गया। और ये हमको यहाँ पे
इसके स्क्रूज है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारा माउंट भी रेडी हो गया। जब आप पैक करते हो तो ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो स्क्रू टाइट कर लिया, उसके बाद ये वाला स्क्रू टाइट किया। फिर लगाने से पहले हमको ये जो नॉब्स है ना, जब माउंट हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक नॉब है तो इसको थोड़ा लूज करना है, देन इसको हम लोग थोड़ा टाइट करते हैं। यहाँ पे एक ये टाइट हो गया, ठीक है, बट ये हमको भी लूज रखेंगे थोड़ा। नहीं, इसको हम लोग बाद में, यहाँ पे एक चीज़ लगेगा वो बताता हूँ। और इसके बाद ये ट्यूब हम खोलेंगे, उसको बाद में कर रहे हैं वो। अभी आपका माउंट आ गया यहाँ पे, और ये जो स्क्रू है इसको हम लोग लूज लूज कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक चीज़ माउंट करना है। उसके पहले हमको यहाँ पे शाफ्ट लगाना होता है। ट्यूब माउंट करने से पहले हमेशा हमको एक शाफ्ट लगाना होता है और उसको काउंटर वेट लगाना। तो इक्यू माउंट है तो उसमें शाफ्ट, और हाँ तो यहाँ पे आपको काउंटर वेट है उसमें, और यहाँ पे स्लो मोशन रॉड, और उसके साथ तो काफ़ी लाइट वेट है काउंटर वेट इसका, मेरा इससे डबल है वेट। और ये है आप नीचे कर दोगे तो हो गया वो। और मैं जनरली क्या करता हूँ कि डायरेक्टली इसके अंदर डालता हूँ शाफ्ट, और यहाँ पे लगा के अभी हमसे क्या मिस्टेक हो रहा है बताता हूँ। अभी हम जब भी लगाएंगे ना, ये हमको नॉर्थ में रखना है, और ये जो दो ये है ना, इसके ऊपर हम लोग रॉड बोल रहे हैं या फिर स्टैंड का दो पार्ट है, तो इसके सेंटर में आना चाहिए ये जो हमेशा, क्योंकि आप ये शाफ्ट लगाने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा लूज करना है और इसको इसके बीच में लेना है। तो वो शाफ्ट में पकड़ लेता हूँ, माउंट को पकड़ना है थोड़ा सा और घुमा लो आप। हाँ अभी शाफ्ट लग जाएगा, शाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स। अभी ये ना काउंटर वेट पकड़ो आप ऐसे ऊपर हल्के से, और शाफ्ट को दूसरे हाथ से पकड़ के आपको घुमाना है। ये थोड़ा सा मैं आलसी हूँ तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, तो वो लग नहीं रहा है तो आपको प्रॉपरली पैरेलली पे देख सकते हो कि ये टेलीस्कोप हमारा माउंट हो चुका है। यहाँ पे हमने माउंट कर लिया है, फिलहाल फाइनल माउंटिंग नहीं हुआ है। सब करने से पहले हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का डायगोनल लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे डायगोनल लगा दो। ये पहले लूज, अब यहाँ पे स्क्रू होता है ना तो उसको लूज कर लो। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे इजीली इसको माउंट कर सकते हो, और वो स्क्रू टाइट कर दो। अभी यहाँ पे स्क्रू है नीचे, अब सिंगल स्क्रू टाइट कर लो। और यहाँ पे हमको कोई भी एक आईपीस ले लो फिलहाल, कुछ किट आया है अपने को, तो एक हाथ बॉक्स लेके या फिर इसके ऊपर हम लोग एक एक चीज निकाल लेते हैं। ये तो क्लीनिंग के लिए है, तो ये डेसिकेंट कैप है अगर मॉइस्चर वगैरह पकड़ लेता है। उसके बाद ये मोबाइल फोटोग्राफी वाला आइटम है लग रहा है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आप नॉब देख रहे हो, और ये हमको, ये हमने अलग से मीड का 9 mm लिया, इसके साथ सिर्फ 25 mm का जो आईपीस आता है इनका, जो सिर्फ आपका मून देखने के काम आएगा या फिर थोड़े बहुत क्लस्टर्स आप छोटे मोटे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो नॉब है यहाँ पे लगाना है हमको, ये माउंट है इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्यों लगाना है, क्योंकि हमको इसको पोलर अलाइनमेंट करना है इसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो नॉब मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कोप घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ नंबरिंग है, तो हमको जो आपके जो लोकेशन से आपका जो पोल स्टार दिख रहा है जितने भी डिग्री पे है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई से इट इज़ अराउंड 19 डिग्री। आप देख सकते हो मैं जैसे घुमा रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा स्कोप ऊपर आ रहा है। तो ये अभी आ गया 10, थोड़ा मुझे और ऊपर करना पड़ेगा इसको।
इट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास आके मैं रोक दूंगा, ठीक है। और ये जो है हमारा माउंट, इट ऑलवेज ये जो साइड रहेगा ना, इट ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैक करना है या प्लैनेट ट्रैक करना है, स्टार को ट्रैक करना है, तो इट शुड बी ऑलवेज फेसिंग नॉर्थ। और यहाँ से आपका ये फिर 90 डिग्री, या जो जहाँ पे भी आपका लोकेशन, जहाँ से आपका पोल स्टार का जो अल्टीट्यूड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना है, इसके अकॉर्डिंग। सो हमारा भी फाइनली स्कोप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जस्ट हमको अभी हमको इसके ऊपर सिर्फ एक व्यू फाइंडर लगाना है, व्यू फाइंडर बोल रहा हूँ, लेंस लगाना है। तो फर्स्ट कभी भी ना सर, सर तो कभी भी आप पहले ना 25 mm हमेशा लगाना है आपको। कभी भी आप ऑब्जेक्ट लगाओगे ना, सबसे पहले 25 लगाओगे। बॉक्स दे दो, तो ये है प्लॉसल, सुपर प्लॉसल है, काफ़ी वाइड है, 25 mm का मल्टी कोटेड लेंस है ये। तो इसको हम लूज़ कर लेंगे, इसको पूरा बाहर आना चाहिए। उसके बाद मैं अंदर डाल दिया। अभी हमारा टेलीस्कोप व्यूइंग के लिए रेडी है, लेकिन इसके साथ हमको फाइंडर स्कोप भी लगेगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मैग्निफिकेशन भी जो है ना बहुत ज़्यादा एरिया मैग्नीफाई कर देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैक करना होगा तो इसके ऊपर हमको एक फाइंडर स्कोप लगाना पड़ेगा। टेलीस्कोप के जो है, मतलब सभी पार्ट्स हमने लगा दिए यहाँ पे। बीच में मैंने ये नॉब्स जो है, स्लो मोशन केबल्स जो है वो भी अटैच कर दिए उसको। मतलब असेंबल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन पार्ट तो माउंट का होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो आईपीस लगा दिया 25 mm, और ये जो पार्ट है ना, इसमें रेड डॉट फाइंडर आता है, एक्चुअली कैन सी रेड डॉट फाइंडर। तो इसमें एक ही बात मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगी कि इसको हमको अलग से स्क्रू ड्राइवर से फिक्स करना पड़ता है। ये जो असेंबली है तो इसको कुछ अलग असेंबली नहीं कि इजीली माउंट कर सकते। इसको हमको आपको आपके पास अलग से एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये स्क्रूज को लूज़ करके हमको निकालना पड़ेगा बार बार। अगर आप इसको निकाल के रखना चाहते हैं स्कोप को, तो अदरवाइज़ परमानेंट माउंटिंग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और रेड डॉट है यहाँ पे, हमारा पूरा ट्राईपॉड से लेके टिल ब्रेसर का जो टेलीस्कोप है वो रेडी हो चुका है। और सर भी काफ़ी एक्साइटेड है, उनके टेरेस पे हम लोग हैं फिलहाल। तो सर ये जो है कैप, इसको अनस्क्रू कर दीजिए। ओके, सो फाइनली गाइज आप देख सकते हो 100, इसका जो बैक का जो मिरर दिख रहा है आपको, पीछे का जो प्राइमरी मिरर है वो 100 mm उसका डायमीटर है, ये करेक्टिंग मिरर है। सो फाइनली असेंबली इज डन, और इसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक, हाँ आई नो मेड इन चाइना है, बट काफ़ी स्टडी है, क्योंकि माउंट इसका AQ3 है। तो हम लोग अभी सर के साथ थोड़ा डेमो करते हैं कि हमारा यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, बट इसके साथ इन्होंने ये जो है ना मोबाइल अडाप्टर दिया है कि इसमें आप आपका मोबाइल लगा सकते हो, इसमें फंसा सकते हो आपका मोबाइल। और यहाँ पे आईपीस जो है आपका, आईपीस लगेगा, और इसके ऊपर आप मोबाइल लगा के आप देख सकते हो, या फिर फोटोग्राफ करना है इसमें तो से अटैच कर सकते हैं हम लोग। आपका कोई मोबाइल है ना, हाँ तो नहीं पहला इसमें से ना आईपीस निकाल लेना आईपीएस है निकाला आपको। होगा ये कैसे? देखिए, इसमें आईपीस को फंसा दो आप, ठीक है, ओके और लूज़ कर दो उस स्क्रू को, ठीक है, और थोड़ा लूज़ कर दो तो इतना अंदर जाने दो। हाँ अभी टाइट कर दो उसको, टाइट हो गया। अभी इसके ऊपर आपका मोबाइल फंसा दो, हाँ, ओके और आपका मोबाइल का कैमरा है ना, तो फिर ये जो पीछे का है ना स्क्रू, इसको लूज करना होता है, थोड़ा लूज कर दो, हाँ, और फिर ये एडजस्ट हो जाएगा आपके मोबाइल का कैमरा कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फोटोग्राफ कर सकते हो। और थोड़ा सा बाद में आपको यूज टू हो जाओगे, उसके बाद आप कर सकते हो। अभी निकाल देते हैं हाँ फिलहाल बट हमेशा याद रखना कि नीचे आप पकड़ना है आपको, ऊपर से खींच लो उसको, वो तो गिरेगा तो नहीं। हाँ मैंने पकड़ा है दूसरा वाला, बट
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब। लग गया है हमारा टेलीस्कोप और व्यूविंग के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमको एक ही आईपीस मिला है 25 mm का, तो हमने एडिशनल जो है थोड़ा मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए था, तो हमने ये मीड का और एक जो है 9 mm का जो आईपीस है हमने लिया है। इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है, बट स्टिल हमारा काम इससे बन जाएगा। तो हम लोग अभी इसको अटैच करने जा रहे हैं हमारे टेलीस्कोप में। ये बैठ गया, हमने इसको सिक्योर कर लिया और हम लोग थोड़ा अभी ट्राई करते हैं इसमें से व्यू लेने का। तो सी की कितना जूम मिल रहा है इसमें, सामने जो टावर है इसका एक सर्टेन पोर्शन हमने कॉन्सेंट्रेट किया टेलीस्कोप में। तो सर अभी पूरा व्यूइंग चल रहा है, फोकसिंग चल रहा है। रुको 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 रुको, यहाँ का जो है छोटा नॉब दिख रहा है, ये फोकसिंग नॉब है एक्चुअली। सो यहाँ से आपको फोकस करना है। आई नो कि मुझे भी इश्यू आता है मेरा जो है, तो मैं यहाँ पे ना हमारा जो कपड़े सुखाने का क्लिप होता है ना ऐसा, तो वो क्लिप लगा देता हूँ और फाइन फोकसिंग के लिए मैं स्लाइटली मूव करना होता है उसमें। सपोज कर लो अभी मुझे ये फटाक से घूम रहा है ना उंगली से, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्लिप लगा देता हूँ, फाइन फोकस करना होता है। तो क्योंकि हमारा मैग्नीफिकेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो ऑलमोस्ट हमारा असेंबली हो गया। तो हम लोग अभी इसको निकाल के फिर से बॉक्स में रखते हैं और सर आइए। तो सर का ये नया टेलीस्कोप है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और मेरे से पावरफुल टेलीस्कोप इनके पास आज मिल गया और प्लैनेटरी बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि मुंबई में पूरा क्लाउडी वेदर है फिलहाल, बट होपफुली प्लैनेट्स विल बी विजिबल इन नाइट स्काई। इसमें से नट्स वगैरह वो क्लियर दिख जाएंगे आपको। तो मतलब 25 लगाओगे तो थोड़ा सा कम जूम रहेगा, बट यू कैन सी डिटेल। बट अभी इसमें और सर्टन लोकेशन है हम लोग जो है ही फोकस कर पा रहे हैं और डिटेल देख पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसको सिर्फ प्लैनेट के लिए यूज़ करना, और मून का अगर डिटेल देखना है तो पहले 25 लगाओ तो पूरा आपको डिस्क दिख जाएगा। और मून का सर्टन पर्टिकुलर क्रेटर देखना है ना, तो उसके बाद इसको अप्लाई कर देना। और ये मल्टी कोटेड है जो करेक्टर प्लेट भी है आगे का, तो कम से कम 10 साल तो कुछ नहीं होने वाला इसको, सिर्फ गिराओ मत। सो गाइज, हमारा जो असेंबली पूरा हो चुका है, हमारा अभी ये निकालने का टाइम हो गया, तो हम लोग अभी निकाल देते हैं, सर बाद में लगा देंगे। तो गाइज, हमारा जो टेलीस्कोप फाइनली पैक हो गया, जैसे हमने लाया था वैसे पैक कर दिया है उसको। तो अभी पैकेजिंग फाइनलाइज, टेप लगा के हम लोग इसको रख देंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना। हाँ, कमेंट करना, और सर का कहना है कि वीडियो को शेयर कर दो। चलो, थैंक यू, बाय बाय। जा रहे हैं ना? अच्छा, सिंपल है, जैसे मुंह ऊपर जाता है खाली आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेना है, ये लेफ्ट राइट लेना, ये लॉक करना पड़ेगा। लॉक किया तो चल रहा है ना ये, कुछ नहीं है, सिंपल है। दो लॉक, दो तो ये दो लॉक अभी ये रॉड लगा दो, पहले काउंटर वेट, पहले काउंटर वेट लगाओ, ये लगाने के बाद ये लगा दो। ये बात सबसे लास्ट ही अटैच जी, ये क्या होता है कभी गिर गया तो ये अटका देता है। तो ये आइटम निकालना, ये हो गया लॉक।
जो एंगल में चाहिए आप घुमा सकते हो। ये 90 डिग्री कर दो आपको वहाँ पे वो साइड में दिख जाएगा माउंट पे। बस इतना कुछ जाता है 90 डिग्री। वजन ज़्यादा है ना यहाँ पे। ये लाम लगा देख डायगन से उसमें काट राइट झुक रहा है थोड़ा। पहले ट्यूब को बैलेंस करना है। ये बैलेंस हो गया काउंटर वेट पे इनको बैलेंस करना। ये हमने लॉक अनलॉक रखा है। हाँ बैलेंस परफेक्ट है करके जा रहा है दोनों बाजू में विदाउट लॉकिंग। हाँ सर नहीं तो ठीक जाता है। ये भी लेफ्ट राइट जाएगा। हाँ राइट में नहीं जा रहा है बैलेंस परफेक्ट है। हाँ तो कुछ भी एम करना है ये अनलॉक है दोनों। कोई भी चीज़ वहाँ एम करो और देखो। हाँ।